की फैमिली, आज बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी बन रही है, चिकन शाशलिक विद ग्रेवी। और इजी और सिंपल रेसिपी है, इसमें वेजिटेबल्स का भी यूज हो रहा है, तो बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपी भी है। अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स को जरूर लिया करें, बहुत हेल्दी है, बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन शाशलिक बनाने के लिए 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। इसके मैं करती हूँ छोटे छोटे से पीसेस क्यूब्स में, और फिर इसकी मैरिनेशन करते हैं। कुछ इस शेप पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, अब इसी करते हैं मैरिनेशन स्टार्ट। मैरिनेशन 1/2 teaspoon मैंने ले लिया है सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें 1/2 teaspoon जाएगी, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 teaspoon, और 1/2 teaspoon ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है। एक हम इसमें लेमन डालेंगे, 1 tablespoon मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 से 1.5 tablespoon मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, चिकन हमारी हो गई है सही से मैरिनेट, और अभी हम इसको करते हैं फ्राई। उसमें हम ये ऐड करेंगे कुछ शिमला मिर्च, तो इसको हम ऐड कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से क्यूब फॉर्म में। हम सिर्फ ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास तीनों थी, मैंने तीनों ऐड कर ली। इसको मैंने कर लिया है कट, इसको कर लेते हैं हम फ्राई। पानी बॉईल हो रहा है, मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है कट थोड़ा थोड़ा सा, और इसको कर लेंगे हम बॉईल। 5 मिनट्स के लिए इसको करेंगे बॉईल, और फिर ठंडा करके इसको पील ऑफ करेंगे। चिकन मैं ऐड कर दूंगी, इसको फ्राई करेंगे 10 मिनट्स में, 12 मिनट्स में ये डन हो जाएगी। टमाटरों को हमने 10 मिनट के लिए कर लिया है बॉयल, इसका छिलका भी खुद ब खुद पील ऑफ हो रहा है इजीली। मैं इस तरह करके रिमूव कर लूँगी, थोड़ा सा ये हो जाए ठंडा, तो फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, इस तरीके से रिमूव कर लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, चिकन हो गई है अच्छे से फ्राई दोनों तरफ से। अब मैं इसमें कटी हुई जो भी हमारी ये वेजिटेबल्स थी ये ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको सही से मिक्स करके, सॉफ्ट नहीं करना, और फिर इसको हम साइड पे रख देंगे। अब सॉस बनाने के लिए मैं ले लूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा हो जाता है गरम, तो इसमें लहसुन ऐड करेंगे। फ्लेम है हमारे मीडियम, ऑयल थोड़ा सा हो गया है गरम, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, इसको करेंगे मिक्स। और टमाटर जो हमने बॉईल किए थे इसको ग्राइंड कर लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर दूंगी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, 1 teaspoon मैंने ले लिया है सॉल्ट, 1 teaspoon इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स ये ऐड कर दिया मैंने, और 1 teaspoon ही इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें 1 tablespoon मैं केचप ऐड कर दूंगी, 1 teaspoon मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है, और इसकी जगह हॉट सॉस भी यूज कर सकते हैं, और 1/2 teaspoon मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस, इसलिए कि हमने चिकन में भी ऐड किया है। अब इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, मसाले अच्छी तरीके से हो जाएंगे कंबाइन। तो अब हम इसमें 1 tablespoon ले लूंगी कॉर्नफ्लोर, बस 1 tablespoon हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें इसको करेंगे मिक्स पानी में, और इसको कर देंगे ग्रेजुअली ऐड इसमें स्पाइसेस में, ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब हमें हो गए हैं 5 मिनट कॉर्नफ्लावर ऐड किए हुए, सारे स्पाइसेस कॉर्नफ्लावर सही से हो चुके हैं मिक्स, इसमें कोई रॉ नहीं चीज़ है, सही से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने भी चिकन बनाई थी वेजिटेबल मिक्स करके, इसे मिक्स कर लेंगे, ये हो चुकी है डन।